दोस्तों जब हम एयर पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो अक्सर हम बाहर यानी कि आउटसाइड एयर पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। दिल्ली की हवा खराब है, मुंबई में काफी एयर पोल्यूशन है, बेंगलोर पर सड़कों पर सांस लेना मुश्किल हो गया है। लेकिन क्या आपको पता है, कई बार आपके घरों में ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। घर के एयर पोल्यूशन लेवल्स ज़्यादा होते हैं बाहर से अगर हम कंपेयर करें। और ये कब होता है, जब आप घर पर खाना बनाते हैं या फिर घर पे कुछ डस्टिंग करते हैं। और हम सभी को पता है एयर पोल्यूशन सेहत के लिए हानिकारक है। दोस्तों ऐसे में एक एयर प्योरीफायर घर पर होना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। आज की डेट में अगर आप देखें तो गाड़ियों में भी लोग एयर प्योरीफायर रख रहे हैं। कई ब्रांड्स ब्रांड न्यू गाड़ियों में आपको एयर प्योरीफायर दे रहे हैं। दोस्तों कल तक जो एक लग्जरी आइटम होता था एयर प्योरीफायर, आज की डेट में एक नेसेसिटी बनता जा रहा है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइसन के प्योर हॉट प्लस कूल एयर प्योरीफायर के बारे में, जो सिर्फ आपके घर को प्योरीफाई नहीं करेगा लेकिन सर्दियों के महीनों में आपको हीटिंग भी प्रोवाइड करने वाला है। दोस्तों आगे बढ़ने के पहले जो लोग नए हैं, नीचे दिया हुआ लाल सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपने बंधु के साथ जुड़ जाइए और रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु, लगे हाथ शुरू कर दें। दोस्तों बॉक्स में आपको एयर प्योरीफायर के अलावा एक यूजर मैनुअल, साथ ही साथ आपको एक काफी बढ़िया वाला रिमोट मिलता है। ये रिमोट मैग्नेटिक है जिसे आप इस एयर प्योरीफायर के ऊपर ऐसे फिट कर सकते हैं। डाइसन के इस एयर प्योरीफायर में आपको दो टाइप के फिल्टर्स देखने मिलते हैं, एक कार्बन फिल्टर और दूसरा हेपा फिल्टर। दोनों फिल्टर्स कैसे लगाने हैं, कैसे निकालने हैं, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूं। तो यहां पे आपको बटन्स दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे एक बटन है, साथ ही साथ इस साइड भी आपको एक बटन दिख जाएगा। आपको बस बटन्स को नीचे पुश करना है और ये बॉडी खुल जाती है। आपको यहां से ये निकाल देना है, आप पीछे के साइड से भी इसे निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आपको फिल्टर्स दिख जाएंगे, ये कार्बन फिल्टर लगा हुआ है, इसे आप इजीली निकाल सकते हैं। और आउटर बॉडी पे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हेपा फिल्टर लगा हुआ है, इसे भी आप इजीली निकाल सकते हैं। आपको ये बटन यहाँ पे दिया हुआ है, इसे आपको प्रेस करना है और ये फिल्टर बाहर निकल जाता है। सो बेसिकली आपको ये फिल्टर्स क्लीन करना भी काफ़ी इजी है, आप ब्रश से पानी से इसे इजीली क्लीन कर सकते हैं। और वापस इसे फिट कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो बेसिकली आपको यहाँ पे लगाना है, प्रॉपर फिट करना है और इसे ऐसे प्रेस करना है तो ये फिट हो जाता है। और उसके बाद आप इस हेपा फिल्टर को अगेन इस पर फिट कर दीजिए, इसे भी फिट करना काफ़ी ईजी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल्टर्स को अगर आपको चेंज करना पड़े तो आप काफ़ी इजीली खुद ही फिल्टर्स चेंज कर सकते हैं। आपको किसी मैकेनिक या कस्टमर सर्विस को कॉल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर हम इस बॉडी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 350 डिग्री टर्निंग मिल जाता है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और साथ ही साथ आप इसे टिल्ट भी कर सकते हैं। अगर आप इसे फ्लोर पे रखते हैं, आपको ऊपर हवा चाहिए तो आप ऐसे टिल्ट कर सकते हैं। अगर आप इस एयर प्योरीफायर को हाइट पे रखते हैं और आपको नीचे के साइड हवा चाहिए तो आप इसे बेसिकली ऐसे टिल्ट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ फंक्शनैलिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में और ये कैसे फंक्शन करता है। दोस्तों ये एयर प्योरीफायर तीन स्टेप में काम करता है। पहला स्टेप है सेंसिंग का। इसके जो इंटीग्रेटेड सेंसर्स हैं ये कंटिन्यूसली हवा को एनालाइज करते हैं और आपको बताते हैं डिस्प्ले पे कि इस कमरे की या जहां पे आपने इस एयर प्योरीफायर को रखा है वहां पे हवा कैसी है। उसके बाद इसके फिल्टर्स काम करते हैं। जो हेपा फिल्टर है, हेपा H13 फिल्टर, ये 99.95% पार्टिकल्स जो 0.1 माइक्रोन के हैं, उतने छोटे साइज के, उन्हें वो कैप्चर करता है। जो कार्बन फिल्टर है वो बेसिकली कमरे की बदबू और गैसेस को फिल्टर आउट करते हैं। और जो तीसरा स्टेप है प्यूरिफिकेशन का, इस एयर प्यूरीफायर का एयर मल्टीप्लायर टेक्नोलॉजी हवा को प्यूरीफाई करता है और आपके कमरे में प्योर एयर सर्कुलेट करता है। तो बेसिकली ये तीन स्टेप प्रोसीजर में ये एयर प्यूरीफायर काम करता है। डाइसन का ये एयर प्यूरीफायर दिखने में तो काफी सुंदर लगता है लेकिन इस्तेमाल करने में भी ये काफी सिंपल है। दोस्तों आपको बस प्लग करना है, उसके बाद ये रिमोट लेके
पावर ऑन दबाना है। बस एक बात का ध्यान रखना है, जब आप रिमोट को पॉइंट करें तो आपको डिस्प्ले की ओर पॉइंट करना है। तो यहां पे मैं पावर ऑन बटन दबा देता हूं और आप देखेंगे कि ये स्विच ऑन हो चुका है। ये इमीडिएटली आपके कमरे की हवा को एनालाइज करना शुरू कर देता है। दोस्तों रिमोट में आपको कई बटन्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ये पावर ऑन पावर ऑफ बटन है, हम अभी इसे स्विच ऑन कर लेते हैं। साथ ही साथ आप फैन की स्पीड को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं इस बटन द्वारा। इसके अलावा ये ऑटो बटन है, इसे आप जनरली जब पहली बार यूज़ कर रहे हो तो आप ऑटो बटन यूज़ करिए। इससे ये ऑटोमेटिकली आपके कमरे की हवा को जांच लेगा और आपको बताएगा कि किस स्पीड पे एयर प्यूरीफायर को चलना है। इसके अलावा अगर आप ये बटन यूज़ करते हैं तो आप इसे ऑसिलेट कर सकते हैं। अब फिलहाल आप देखेंगे कि जो एयर प्यूरीफायर है वो एक ही जगह रुका हुआ है, अभी मैं उसे ऑसिलेट कर लेता हूँ। तो ये 180 डिग्रीज पे ऑसिलेट होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं मूव होना शुरू हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बटन देखने को मिल जाता है। ये इन्फॉर्मेशन बटन आपको डिस्प्ले पे अलग अलग जानकारियाँ देता है। क्योंकि इस एयर प्यूरीफायर में हीटर फंक्शनैलिटी भी है तो आपको ये हीटर अप डाउन के बटन भी मिल गए हैं, जिससे आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। अगर आपको हीटर नहीं यूज़ करना है, आपको सिर्फ एयर प्यूरीफायर यूज़ करना है, ठंडी हवा चाहिए, तो आप ये ब्लू बटन भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको कई ऑप्शंस मिल रहे हैं, आपको ये नाइट मोड भी दिया हुआ है, टाइमर ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो आपको कई ऑप्शंस मिल जाते हैं इस रिमोट में। इसके अलावा आप इस एयर प्यूरीफायर को मोबाइल ऐप द्वारा भी यूज़ कर लेते हैं, तो चलिए आप मोबाइल ऐप भी देख लेते हैं। दोस्तों ये डाइसन लिंक मोबाइल ऐप है जो आप एंड्रॉयड या फिर एप्पल फ़ोन दोनों में इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कई बटन्स दिए हुए हैं, इसे आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। अब मैंने वाईफाई द्वारा कनेक्ट हो जाता है आपका एयर प्यूरीफायर, तो यहाँ पे मैं ऑफ बटन दबा देता हूँ तो आप देखेंगे कि एयर प्यूरीफायर रुक गया है। अब मुझे उसे वापस शुरू करना है तो मैं यहां पे आऊंगा और मैं ऑन बटन दबा दूंगा। साथ ही साथ यहां पे आपको और भी कई ऑप्शंस मिल जाते हैं, ऑटो का बटन यहां पे भी दिया हुआ है। अगर आप यहां पे जाते हैं तो आपको जो रिमोट में बटन है वो सारे के सारे बटन आपको यहां दिख जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस एयर प्यूरीफायर को ऑपरेट करना बहुत ही सिंपल है, आप रिमोट या फिर आप अपने मोबाइल से इसे इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इस एयर प्यूरीफायर के कुछ खास फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा ये प्योर हॉट प्लस कूल एयर प्यूरीफायर है, यानी कि गर्मियों में ये ठंडी हवा आपको देता है और सर्दियों में ये आपको गर्म हवा देता है, यानी कि हीटर जैसे काम करता है। साथ ही साथ इस एयर प्यूरीफायर में एक खास फीचर भी है, डिफ्यूज़र फीचर। यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मल एयर प्यूरीफायर्स में सिर्फ एक जगह से हवा आती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने मुंह पर हवा पसंद नहीं होती है, फ्रंट फेसिंग हवा नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आपको एक डिफ्यूज़र फीचर मिलता है। यानी कि अगर आप उस फीचर को ऑन करते हैं तो सामने से हवा नहीं आती बल्कि साइड से हवा आती है, तो यानी कि हवा प्यूरीफाई तो हो रही है लेकिन आपके मुंह पे भी डायरेक्ट हवा नहीं आ रही है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ 350 डिग्री ऑसिलेशन आपको इसमें मिलता है, तो ये भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है। आप इसे कमरे के बीच में रख सकते हैं, अगर आप इसे कोने में रखना चाहते हैं तो आप ऑसिलेशन को कंट्रोल भी कर सकते हैं, ऑसिलेशन को बंद कर सकते हैं, 45 डिग्री पे रख सकते हैं, 90 डिग्री पे रख सकते हैं, 180 डिग्री पे रख सकते हैं, आपको ये सारे ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाते हैं। इसके अलावा इस एयर प्यूरीफायर में आपको दो टाइप के फिल्टर्स आते हैं, कार्बन एक्टिवेटेड फिल्टर्स और हेपा फिल्टर, तो यहाँ पे आपको जो प्यूरिफिकेशन होती है एयर की बहुत बढ़िया तरीके से होती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा, मैंने और कोई एयर प्यूरीफायर में नहीं देखा है जहां पे आपको डिस्प्ले पे लाइव एयर क्वालिटी देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पे डिस्प्ले में आपको कंटिन्यूअसली लाइव एयर क्वालिटी देखने को मिल रही है, तो ये बहुत बढ़िया है। अगर एयर क्वालिटी खराब होती है, मानिए आप कुकिंग शुरू कर देते हैं और धुआं यहाँ पे आ रहा है, तो आप सडनली आप देखेंगे कि एयर क्वालिटी थोड़ी सी खराब हो रही है, इमीडिएटली डिटेक्ट कर देता है। ये एयर प्यूरीफायर चार अलग अलग टाइप के एयर पॉल्यूटेंट्स को डिटेक्ट करता है और सारी की सारी डिटेल्स आपको डिस्प्ले में दिखा देता है, तो ये सारे फीचर्स मैंने तो कोई दूसरे एयर प्यूरीफायर में नहीं देखे हैं। दोस्तों तो फाइनली समराइज कर लेते हैं इस वीडियो को, डायसन का ये प्योर हॉट प्लस कूल एयर प्यूरीफायर
आज की डेट में मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट एयर प्यूरिफायर्स है। बिल्ड क्वालिटी लाजवाब है। जो फीचर्स ये प्रोवाइड करता है वो शायद ही कोई मार्केट में एयर प्यूरिफायर करेंटली प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही साथ ये आपको लाइव एयर क्वालिटी दिखाता है। अगेन ये सुपर फीचर है दोस्तों। इसकी मार्केट प्राइस है करीबन 55,000 रुपीस। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, एग्जैक्ट प्राइसिंग आपको वहां पे मिल जाएगा, जरूर क्लिक करके चेकआउट कर लेना। जी हाँ, प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा लगी है मुझे, लेकिन डायसन का सेल चल रहा है, इसे आप अगर आप सेल पे लेते हैं तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है, और इसे सेल पे लेना ही सेंस बनता है मेरे हिसाब से। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।